पुलिस का ट्रांसफर पोस्टिंग एसपी डीएसपी से लेके इंस्पेक्टर का कैसे होता है वो सबको पता है, बिहार में क्या खेल होता है। मुख्यमंत्री का तो पूरी तरीके से एक बाली खत्म हो गया। अब मुख्यमंत्री जी का एक ही काम रह गया कि अपराधियों को मुख्यमंत्री आवाज़ बुलाओ और उनके घर जाओ। जब भी मुख्यमंत्री ये बात बोलते हैं, चाहे सदन में या बाहर या मीडिया के सामने, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, तो आप लोगों को भी विश्वास नहीं होता होगा। पहले आपको पता है हमारे विधायक की पत्नी के साथ ही यहाँ अटल पथ पे हुआ, एकदम सेंट्रल पटना में। ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, मर्डर, हत्या, लूट, डकैती, रेप, कोई पूछने वाला है इन लोगों को? अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। कल देर रात तेजस्वी यादव जिस तरीके से यात्रा के लिए निकल चुके हैं, आपको बता दें कि आज से यात्रा शुरू होने वाली है। कल रात 11 बजे वो निकले थे अपने आवास से। उस दौरान उन्होंने बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल भी उतार दी, साथ में इशारों में आनंद सिंह के बारे में भी बहुत बड़ी बात कह दी है। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उन बातों का नकल उतारा है जिन बातों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा ही चर्चे में रहते हैं कि अब हम इधर उधर नहीं करेंगे, हम जहां हैं वहीं रहेंगे, इसकी नकल उतारी है तेजस्वी यादव ने। साथ में आनंद सिंह के ऊपर उन्होंने तीखा वार भी कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बस यही काम रह गया है कि वो अपराधियों को घर बुलाते हैं, उसके बाद उनसे मिलते जुलते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। जो पिटीशनर है उनको भी हुआ है, और हमने तो शुरू से कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सड़क से लेकर के सदन और अदालत में भी इसके लिए लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ेंगे, और किसी भी कीमत पर इसको शेड्यूल 9 में जो है इस आरक्षण को हम लोग डलवा करके रहेंगे। तो हम लोग अपना सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पेटिशन डाला है और उस पर नोटिस हुआ है, और डेट आएगा तो उस पर हम लोग अपने तरफ से जो मजबूत पक्ष होगा हम लोग रखेंगे। तेजस्वी जी, एक सवाल यह है कि आपका ये कार्यकर्ता संवाद हुआ है थोड़ा अलग है, क्या लगता है पार्टी की मजबूती के लिए अब जरूरी था? नहीं नहीं, ऑब्वियसली भाई, कार्यकर्ता जो हैं पार्टी के, कार्यकर्ता जो हैं ये पार्टी के बैकबोन हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, और उनसे नेता का डायरेक्ट इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रॉपर फीडबैक पता चल सके। और हम लोग भी चाहते हैं कि संगठन को और मजबूत किया जाए आने वाले समय को लेकर के। मास पार्टी के साथ साथ कैडर की भी पार्टी हो राष्ट्रीय जनता दल, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यकर्ता, क्योंकि ये जो पहला जो हमारा जो कार्यक्रम है पूरे बिहार में जो हम लोग घूमेंगे, ये कार्यकर्ता संवाद होगा। इसके बाद नवंबर दिसंबर में हम लोग जनता के बीच फिर दोबारा जो है संगठन को मजबूत करके उनके बीच हम लोग। कुछ दिन पहले ही आपको पता है हमारे विधायक की पत्नी के साथ ही यहाँ अटल पथ पे हुआ, एकदम सेंट्रल पटना में। ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, मर्डर, हत्या, लूट, डकैती, रेप, कोई पूछने वाला है इन लोगों को? अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, मनोबल ऊंचा हो गया है अपराधी का। मुख्यमंत्री चुप, दो उप मुख्यमंत्री हमको गाली दे रहे हैं, हो तुम्हारे राज में रहा है गाली हमको दे रहे हो, तुम अपनी राज की कथा बताओ, क्या कर रहे हैं आप लोग? पुलिस का ट्रांसफर पोस्टिंग एसपी डीएसपी से लेके इंस्पेक्टर का कैसे होता है वो सबको पता है, बिहार में क्या खेल होता है। मुख्यमंत्री का तो पूरी तरीके से एक बाली खत्म हो गया। अब मुख्यमंत्री जी का एक ही काम रह गया कि अपराधियों को मुख्यमंत्री आवाज़ बुलाओ और उनके घर जाओ, तो अपराधियों का मन नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर, एक सवाल यह है कि विगत दिनों जब नीतीश कुमार से मिले थे उसके बाद बिहार में चर्चा हो रही है, साथ आने की बात हो रही है। अरे भाई, वो हम कितनी बार इस बात को कहे हैं, वो बैठक जो था आपका जो सूचना आयुक्त को लेकर के, दो पद जो खाली थे
उसको भरने के लिए था, उसमें संवैधानिक पद पर नेता विरोधी दल का भी रहता है, कमेटी में हम भी थे तो हम गए थे। लेकिन आप बताइए ना, आपको नीतीश जी पे भरोसा होता है क्या? हम अरे भाई, जब भी मुख्यमंत्री ये बात बोलते हैं, चाहे सदन में या बाहर या मीडिया के सामने, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो आप लोगों को भी विश्वास नहीं होता होगा, ये सच्चाई है। अब दो बार जीवित कर दिया हम लोगों ने, अब बार बार थोड़ी होता है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, आपको याद होगा कल किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह दिखाई दिए थे, साथ में ललन सिंह भी थे, और मोकामा में क्या कुछ हो रहा है वो बता रहे थे। कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे, तेजस्वी यादव ने तीखा बयान दे दिया और कहा है कि इनकी सरकार में अपराध हो रहा है और ये लोग हमको गाली देते हैं। अब देखना होगा ये बयान बिहार की राजनीति को किस तरीके से गर्माता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।